हेलो एवरीवन। तो अभी लास्ट हॉलीवुड का जो मॉक हुआ था उसकी जीएस की एनालिसिस कल तक अपलोड हो जाएगी। एंड ये भी लेटेस्ट है, ये है 13-14 तारीख का हॉलीवुड इसको देने वाले हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आपकी बार कि आपके अकॉर्डिंग मॉक को क्यों देना चाहिए, मतलब ये आप कमेंट करके बताइएगा। मतलब मैं कुछ सजेशन दे देता हूँ कि मतलब जैसे कि स्कोर बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए, अपनी वीकनेस देखने के लिए, रॉन्ग क्वेश्चन को खाली देख लेने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, क्या अपडेट मिलता है दूसरों से कंपेयर करने के लिए, क्या रैंक आती है क्या नहीं आती है। कमेंट करके आप अपना जो स्कोर बताएंगे उसके साथ जरूर बताएंगे कि आप मॉक क्यों देते हैं, ठीक है? देन मैं कभी नेक्स्ट मॉक में बता दूंगा कि क्यों देना चाहिए मॉक, बस कंपेयर करने के लिए, क्या करने के लिए। एंड हाँ, इससे पिछले मॉक में एक कमेंट आया था मेरे पास कि मुझे 11 का डिविजनल रूल नहीं आता, तो हाँ शायद मैं भूल गया हूँ, उससे मुझे पता नहीं आता होगा। तो जब क्वेश्चन देते हैं तब जो यूज़ करता हूँ उस समय हो जाता है। तो और हाँ, आप ये वीडियो तभी देख रहे हो जब आप मॉक अटेम्प्ट कर चुके हों, उसके बाद ही। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, एक मिनट मैंने ले लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सब रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, और लैग अगर हो जाता तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। ओके, सम टेबल इज चेयर, सम टेबल इज चेयर, नो चेयर इज सोफा, एंड ऑल सोफा इज रेड। Some table are not sofa, some table are not sofa. वैसे आंसर सही है क्योंकि जो इसका ये वाला जो पार्ट होगा टेबल का, ये 100% सोफा नहीं होगा क्योंकि ये चेयर को बनने नहीं दे रहा है, इस वजह से जो चेयर का पार्ट है। सम चेयर आर नॉट सोफा, सम क्या पूरी की पूरी नहीं है, अलग कठिन बन रहा है। सम रेड इज नॉट टेबल, सम रेड इज नॉट टेबल, यार तीनों ट्रू हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, बट ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो बोथ वन एंड टू कुछ गड़बड़ है, इसको बाद में देखेंगे। अच्छा है, आउट करते हैं उसमें इलाहाबाद में 221-285 लंबा लंबा गया था। चार जुड़ा है 64 स्क्वायर, पाँच से तीन जाना है तो 8 5 13 होता है 93, 9 6 15 68। देन ये कितना जुड़ा है, तीन जुड़ा है, देन कितना है ये 7 5 12 73। चार का गैप है, पाँच का गैप है, क्या छः का गैप है 79 का, 9 6 15 7 2 9 बिल्कुल है, यानी कि अब 7 जुड़ेगा, 7 9 7 16 86, 6 5 11 91, 591। एम का तो 15 होता है, नंबर छोटे हैं, बाद में देखेंगे इसको। इसकी मिरर इमेज जो होगी वही ऑप्शन होगा, इसकी मिरर इमेज तीन लाइन इसमें सर्किल वाली तीन लाइन, और दो लाइन होनी चाहिए स्क्वायर के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन। डी एक्टिवेट, डी को पलटा दिया है, बना तो इसी से ही है, किस सीक्वेंस में रखा बस वो देखना है, जैसे कि डी आई को यहाँ पे पलटा है शुरुआत के दो को, तो यानी कि ए एफ तो होगा ऑप्शन में, यानी कि पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन में से कोई एक, यानी यहाँ ए है, दो ए हैं यार, दो टी भी हैं, ओहो काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। ये आई आया है, आई है बीच का लेटर, इधर चार बीच का नहीं है, 3 3 6 6वें नंबर का लेटर है, 3 3 6 6वें नंबर का लेटर ही आया, तो 3 3 6 6वें नंबर का लेटर सी आना चाहिए, ए एफ सी होना चाहिए, ए एफ सी। 120 176 25 160 25 70 175 एक जोड़ा 23 70 कितना होता है 161, एक घटाया है और 7 21 7 14 2 16 161 एक घटाया है, 25 70 175 होता है, एक जोड़ा है। बाद में देखेंगे, टाइम काफी हो रहा है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। नीदरलैंड चाइना की मैंडरिन, नीदरलैंड की क्या है ये, अच्छा लैंग्वेज की बात कर रहा है, उर्दू हो नहीं सकती, डच फ्रेंच 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 डच, नीदरलैंड वाली डच ही तो होते हैं, उर्दू अरेबिक ठीक। हेरोडोटस ने हिस्ट्री का है, ठीक है, आर्किमिडीज साइंस से रिलेटेड, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एरिस्टोथेनस, एडम स्मिथ, गलत बताना होगा ना, अलग अलग बताना, हेरोडोटस ये सही है, आर्किमिडीज यही होगा, आर्किमिडीज साइंस से रिलेटेड ही होगा, साइंस से रिलेटेड, जैसे इसने एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स की किताब लिखी है, हेरोडोटस ने हिस्ट्री लिखी है, इसने साइंस उन्होंने लिखी होगी, इस वजह से ज़्यादा लगा रहा हूँ।
120 145 बाद में देखेंगे, बाद में नहीं, वाला देखेंगे। डायरेक्शन चल रही है ना। स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक्स 8 टूवर्ड्स नॉर्थ, 8 चला गया नॉर्थ में। देन शी टेक राइट टर्न एंड वॉक्स 11। ही अगेन टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर एक्स किलोमीटर, एक्स टू रीच पॉइंट जेड, जेड पर पहुंच चुके हैं। पॉइंट वाई इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जेड, जेड के वेस्ट में है पॉइंट वाई कहीं होगा। एंड ठीक है, देन एंड ऑल्सो 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर होम, 15 मीटर यानी कि ये डिस्टेंस 7 होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 हो जाएगी ये। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ डिवाइड यहाँ रखना चाहूँगा क्योंकि 30 से 60 कट जाता है, तो एक ऑप्शन में पहले ही मैं यही चेक करूँगा। तो 30 दूनी 60, 2 पंचे 10, 10 देन प्लस है 180 एंड माइनस है 45, तो 190 आएगा। तो माइनस करेंगे तो नंबर छोटा हो रहा है, ये नहीं आएगा। 45 से 180 भी कटता है तो फोर्थ नंबर पे ये डिवाइड ज़रा ट्राई करते हैं। तो 45 चौक होता है, देन ये माइनस है 5, 30 पच्चे 150 और प्लस का 60, ये हो सकता है सर। 6 5 11, 210 में से 4 जाएगा, 206। एल का जेड से रिलेशन, एल का जेड से, तो जेड लेस देन और इक्वल है, जेड इज द सिस्टर ऑफ एन, एन इज ग्रेटर देन, एन इज द डॉटर ऑफ एस, एस इज ग्रेटर और इक्वल, एस इज द फादर ऑफ पी, पी लेस देन, पी इज द हस्बैंड ऑफ एल। तो एल इज रिलेटेड टू जेड, एल उसकी क्या सही बनाया है कि नहीं। पी लेस देन पी इज द हस्बैंड ऑफ एल, पी इज द हस्बैंड ऑफ एल, फादर भी नहीं है, एल बताना है ना, फादर अंकल आंट मदर। जेड लेस देन जेड इज द सिस्टर ऑफ एन, ठीक है। एन इज ग्रेटर देन, एन इज द डॉटर ऑफ बी सैन, ओके। एन इज ग्रेटर देन एस, एस के बेटे की बेटी, एस के बेटे की बेटी है एन, एस के बेटे की बेटी है, ये हो गया। देन एस इज ग्रेटर देन पी, एस इज द फादर ऑफ पी, यानी कि यहाँ चला जाएगा और ये आएगा एल यहाँ पे इस लेवल पे। अब बताओ, एल उसकी आंट हो जाएगी, मदर भी हो सकती है यार, शिट। अगर यही लड़का ये पी और लड़का सेम हो जाए तो अरे यार कठिन कर दिया जबरदस्ती का। 7 मिनट बचे हैं, काफी क्वेश्चन बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, मतलब इसमें क्या बताने, क्या खोलने पे हो जाएगा। 6 5 1, 6 5 1 पहला ऑप्शन हो सकता है, 5 5 और 6 अपोजिट हो नहीं सकते, 6 और 1 अपोजिट हो नहीं सकते, 6 और 1 अपोजिट हो नहीं सकते, पहला ऑप्शन। पहला क्वेश्चन ऐसे ही देखना होगा। लग्जरी एल ओ आर, तो 12 3 15 3 18 3 21 यू आएगा पहला, वाई आएगा अगला लग रहा है, यू 21 22 23 24 25, तब तो यही ऑप्शन आएगा कंफर्म करने के लिए। एक्स 24 में 3 कम हुआ 21, 21 में 3 कम हुआ 18, 18 में 3 कम हुआ 15, यही ऑप्शन आएगा करते हैं। यू के बाद वाई पक्का, यू वी डब्ल्यू एक्स सही है। फॉलोइंग फिगर में आगे क्या आएगा, डॉट यहाँ है, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, तो पहला और तीसरे ऑप्शन में से होगा, और स्क्वायर आई थिंक बीच में ही आएगा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे लेफ्ट में होएगा पहला ऑप्शन, पहला ही टिक करना, मेरे से आजकल टिक गलत हो जाते हैं। ओके 247, इसको तो पूरा लिख के करना चाहिए, वी वी प्लस 152, एस का मतलब है डिवाइड, नेस एच का मतलब इन टू, 441 को 21 में लिख सकता हूँ सीधे सीधे, एम का मतलब माइनस, 728 होता है 12 का क्यूब, तो 12, एम का मतलब फिर माइनस 17, एच का मतलब इंटू 96 से डिवाइड करना है, तो 16 छक्का 96, यहाँ पे मैंने सीधे 16 कर दिया, एच इंटू ये, ठीक है। तो 19 8 और ये 9 2 11, 9 बचा 247, प्लस का 72 माइनस का 16 7 112, 16 16 6 60, 272, इसमें अगर मैं घटाऊं तो कितना बचेगा, क्या जोड़ दूँ 147 में, तो ये आ जाएगा 25,
जोड़ने पे आ रहा है। हाँ, और 72 और 25, 5 2 7 97 घट रहा है क्या? अच्छा माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का है, माइनस तो 47 हो जाएगा। कहीं कहीं आते आते जरा सा बचा, 1 मिनट बचा है, काफ़ी सेशन बचे हैं, धीमे चल रहा हूँ। इसकी मिनट में जिधर जाएगी 2 तो 4 तो नीचे दिखेंगे और ये बन जाएगा पहला वाला। ए बी एक्स पहला तो एक्स ही आएगा क्योंकि चारों ऑप्शन में सेम है। ए बी एक्स वाई अगर मैं ले लूँ तो टी टी ए, देन फिर से ए बी एक्स वाई टी टी ए बी एक्स, यही होना चाहिए। एक्स वाई बी टी टी ए एक्स, एक्स वाई बी टी टी ए एक्स नहीं है। एक्स वाई टी टी ए बी एक्स वाई टी टी, क्यों कन्फ्यूज करता है, बाद में देखेंगे इसको फिर। एक वाई की बस दिक्कत हो रही है, नहीं तो पूरा टैक्स तो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ये वाले ऑप्शन में, सेकंड वाला। मिरर इमेज लेफ्ट साइड पर रख दिया है तो इसकी मिरर इमेज ये वाला मैं डब्बा देख रहा हूँ, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, एक ऑप्शन एलिमिनेट। देन क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, ये हाफ फेल है, ये वाला ये इतना ही फेल है, तो इस वाले में ठीक है, ये वाला एलिमिनेट हो चुका है, ये वाला ठीक है, ये वाला एलिमिनेट। पहले और तीसरे में क्या अंतर है, ये इसका ये वाला बॉक्स नहीं भरा है तो थर्ड ऑप्शन होगा, ये बॉक्स नहीं भरा, ये वाला। टाइम अप हो चुका है, 4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से मेरा इमेज देख के ख़त्म करो, ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मैं ये बस कोना देखता हूँ, ऐसी चीज़ पकड़ लेता हूँ, जैसे कि ये सी आई डी में से एक ऑप्शन होगा, बस ये काली धारियाँ इसमें, इसमें नहीं है, तो जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से चले जाए, काली धारियाँ नहीं होंगी एक में, यानी कि सी ऑप्शन। आज काफ़ी लेट हो गया। ऑल बुक्स आर डायरीज, नो जर्नल इज ब्लॉक, नो जर्नल इज ब्लॉक, ऑल जर्नल आर डायरीज, ऑल जर्नल्स आर डायरीज, और डायरीज में ही आ रहा था बुक्स। सम बुक्स आर ब्लॉक्स, बिल्कुल भी नहीं। सम बुक्स कैन बी जर्नल, सम बुक्स कैन बी जर्नल, बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल ब्लॉक्स आर डायरीज, और बिल्कुल भी नहीं, खाली दूसरा। लॉयर कोर्ट, कारपेंटर फर्नीचर, लॉयर जो होता है वो कोर्ट जाता है, कारपेंटर फर्नीचर में नहीं जाता, क्रिकेटर टूर्नामेंट में, प्रीस्ट चर्च में जाता है, टीचर स्टूडेंट प्रीस्ट चर्च में जाता है। ये वाला बाद में करेंगे, जल्दी जीके करते हैं। एज पर द रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट, ना 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 ना, नहीं पता, यूपी लगा देंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। भारत रत्न एम एस सुबुलक्ष्मी, एम एस सुबुलक्ष्मी भरतनाट्यम नहीं है, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है आई थिंक, है इन दोनों में से आंसर। देयर इज फिक्स्ड टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट पे मैंने जीएस एनालिसिस में किया, फिर से क्वेश्चन से रिपीट किया। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ जज का नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, मैंने नोट्स बनाए इस वजह से। जज, हाँ एज होती है 65 ईयर ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग, ये भी सही है, तो दूसरा तीसरा है ही नहीं ऑप्शन, रिजाइन नहीं कर सकता, तो फिर थर्ड सेकेंड ओनली। ट्रू बताना कि क्या बताना, करेक्ट स्टेटमेंट, सेकेंड 100% ट्रू है, कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। मैंने नोट्स ना बनाया तो मैं कंफर्म ना बता पाता, उसमें मुझे डाउट लगाऊंगा नहीं, सीधे जाऊंगा। हूएवर इज द सिस्टम ऑफ दस्तक, दस्तक को किसने हटाया, जूलॉजी में पढ़ा नहीं है, कॉर्नवालिस में भी नहीं पढ़ा है। दस्तक 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 नॉट अ कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन 1857 रिवोल्ट, बाद में देखूंगा। हमें ऊपर टाइम थोड़ा सा हावी हो रहा है। लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में लास्ट आएगा, इसमें से आएगा जेनॉन, आएगा अलीना की, अच्छा वो हेमा नैना और करीना जीती रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कंट्री एंड एडजस्टेड डिप्रिसिएशन, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, यानी कि एन तो होएगा,
नेट पूछ रहा है कि सारा एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगर नहीं हुआ है तो एनडीपी आएगा। 1 हेनरी इज इक्वल टू फ्लक्स हेनरी कैंडला टेस्ला वेबर, फ्लक्स वेबर। मेरी बेसिस कमजोर है सबसे बड़ी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। साइंस में थोड़ा सा सीखो, पहले भी टेक किया हो तो क्या हो गया। कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक, ऑर्गेनिक एसिड। जो तो फॉलोइंग रिवर्स थ्रो होता है, थ्रो फॉर पेंच ऑफ ब्लॉक एंड दी रिवर टिवर्ट एलुवियल एंड गंगा यमुना ही आएंगी। एलुवियल सॉइल की बात कर रहा है। पेनिनसुलर, पेनिनसुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रो द थ्रो फॉल्स ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक में आ रही हैं वर्ड ऑफ एलुवियल एंड डेल्टाइक डिपॉजिट। कंफ्यूज कर दिया मैंने, टाइम हावी हो रहा है पहली बार। ये तो विराट कोहली 2023 में रिकॉर्ड जो तोड़ा सचिन तेंदुलकर। हेमाचंद गोस्वामी रिसीव पद्मश्री 2023, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन्वॉल्व्स कालासंस, सेबी, सेबी कब आई थी, सेबी आई थी 1990 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट प्लेस टू डिलीवर न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओके 47 आई थिंक, 44 है नहीं, 41 है नहीं, 42 है नहीं। पीएम विश्वकर्मा, ये भी तो लेटेस्ट वाली है ये एकदम। 1300 करोड़ पिछले साल आई है तो 23-24 होना चाहिए। 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, G20 स्पीकर्स, P20। मैं इसमें न्यू दिल्ली लगाऊंगा, हिंदी लगा रहा हूँ। वॉट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स और नॉन फंक्शनल रिड्यूस इन जो कॉमन ऑर्गन, नहीं जो कॉमन फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑर्गन। अक्कल दाव। स्टेट्स एंड यूटी क्या बताना है, लिटरेसी रेट केरला का सबसे ज़्यादा, लक्षद्वीप भी है। चलो 90 सेंसस भी रिवाइज करा इस वजह से हो गया, 94% केरला का हो गया एंड 92.28 हो गया लक्षद्वीप का हो गया। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, 66 वाला आ जाएगा। क्या बताना, पहले का है बी, पहले का है बी सारे ऑप्शन में है एंड फोर्थ का है डी, फोर्थ का है डी भी, पहले का भी फोर्थ का डी, यानी कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन बच रहा है। और लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, तीसरे का ए, तीसरे का ए वाला ऑप्शन। सेंसस रिवाइज करवा देंगे। खिलाफत कमेटी 1919 इन द सिटी ऑफ, इसका आंसर लखनऊ था, लास्ट टाइम बॉम्बे लगा तो गलत हुआ था। नहीं खिलाफत, फिर से कंफ्यूज। जीके में यही होता, आने के बाद भी कंफ्यूजन बहुत होता है। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल्स सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सन एंड मून इज कॉल्ड टाइड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज बाय द विंड एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड एज सर्जेस, दोनों सही लग रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, चलो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज आर नॉट रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, तो आज मैं रिवील कर ही देता हूँ, मैं जो सीजे अकाउंटेंट हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अब हट गई है, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैं इस पर तो काम कर ही रहा हूँ। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम, जल शिक्षा संस्थान स्कीम, GSS शॉर्ट में यूज करता हूँ, तो ये तो है, थर्ड ऑप्शन तो 100% है, नॉट रिलेटेड है। तो पहली वाली मैं लगाऊं क्योंकि अभी हट चुकी है यार, ये क्या बताऊं, ये दोनों तो है, यही वाली हटाऊंगा। ये गलत हुआ उस समय तो मुझे बहुत अफसोस होगा, वैसे जो अकॉर्डिंग जो मैं काम करता हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये तो हट चुकी है पूरी तरीके से, इससे पूरा पैसा खींच लिया गया है। द थ्री मास्कॉट ऑफ एशियन गेम दिस दिस फेयर अ ग्रुप, चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लिया है, लेपर्ड लग रहा है। काफी टाइम आज मैंने वेस्ट किया है। सजता पाई बोस कहाँ गया, बलबान, गैसुद्दीन बलबान यही है ना। चलो इल्तुतमिश और रजिया रिवाइज होने वाला है, बलबान भी अगले उसमें हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ चुका है बॉलीवुड का क्या पैटर्न रहता है। अब इंग्लिश जल्दी करनी। द डाइनिंग रूम इज लोकेटेड इंटीरियर विद द लिविंग रूम क्रिएटिंग अ कोजी एंड इंटीग्रेटेड स्पेस फॉर फैमिली गैदरिंग्स। द डाइनिंग रूम इज लोकेटेड इंटीरियर विद इन विद द लिविंग रूम,
लेट्स लुक बैक एट सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट केस एंड वेयर दे स्टैंड नाउ. लेट्स लुक बैक एट सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट केसेस. सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट केसेस होना चाहिए, केस नहीं होना चाहिए, प्लूरल आएगा ना. हिज बॉस ऑर्डर टू लेट आई एंड अनीश टू गो टू द हॉस्पिटल. हिज बॉस ऑर्डर्ड टू लेट के साथ आई तो नहीं आएगा, लेट मी एंड अनीश गो टू द हॉस्पिटल. टू गो ना, मी एंड अनीश गो टू द हॉस्पिटल. हिज बॉर्डर मी एंड अनीश टू गो. टू गो आएगा, टू गो आएगा. प्रपोजिशन का सही यूज. वॉट इज द डिफरेंस बोथ कार्डियक अरेस्ट एंड अ हार्ट अटैक. बाय कार्डियक, ऑफ कार्डियक, बिटवीन, बिटवीन हटाओ, ऑफ कार्डियक अरेस्ट. बाय और ऑफ में दिक्कत है तो ऑफ लगाऊंगा. किसी डिसीज के साथ में ऑफ लगता है, आने वाले बताते कंफ्यूज हो सकता हूँ. वॉट इज द डिफरेंस, एक सेकेंड, डिफरेंस है. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक. बिटवीन एंड, यह है यार, मैंने इसको मौत समझ ली थी. द कॉमेडियन सेड दैट. अब रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, रिकॉर्ड हो रहा है. तो क्या, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है, 39 मिनट बचे हैं. द कॉमेडियन सेड दैट ही हैड 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 रिटन अ न्यू जोक. द ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट, ओप्पो लेने वाले बहुत लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, तो लग्जीरियस यही है टेक्निमोनिक. ओप्पो लेने वाले. इफ द एलिट फोर्सेज ऑफ द राइवल कंट्रीज वॉन्ट टू वैंकिश द कॉमन एनिमी दे नीड टू फर्स्ट स्टिर द हॉर्नेट्स नेस्ट, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मेंड देयर फेंसेस. फोर्सेज ऑफ द राइवल कंट्रीज वॉन्ट टू वैंकिश द कॉमन एनिमी दे नीड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो खाने से लिव इन द फूल्स, ये भी हटा दो, हट गए. मेंड देयर फेंसेस स्टिर द हॉर्नेट्स नेस्ट. आई थिंक इनकरेक्टली प्रॉमिसिंग अगला मतलब रिलक्टेंस डमी अप्राइज. ऐप राइज में एक ऐसा आएगा भाई. ए डी ए सी बी दिस स्टाइलिक अप्रोच दिस विच स्पीकिंग विद ईडियम्स एड्स कलर फ्लेयर एंड डेप्थ और टू वंस लैंग्वेज फेविंग. इट्स अ कीन टू स्प्रिंकलिंग इट्स ईच ईडियम सर्व्स एज अ विंडो इन टू द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ अ कल्चर रिफ्लेक्टिंग इट्स हिस्ट्री वैल्यूज एंड बिलीव्स. अगर मैं डी को पकड़ूँ, इट्स अकीन टू स्प्रिंकलिंग स्टारडस्ट ऑन कन्वर्सेशन ट्रांसफॉर्मिंग मंडेन एक्सचेंज इन टू कैप्टिवेटिंग नैरेटिव्स स्पीकिंग विद ईडियम्स एड्स कलर फ्लेयर. यही आएगा, मुझको तो यही लग रहा है. डी सी बी है. आहा कितने हैं, ए बी सी डी. मोर ओवर इससे स्टार्ट नहीं होने वाला. कार्टून कैरेक्टर्स ऑफन एग्जिबिट फ्रॉम एनिमेटेड फिल्म्स एंड टेलीविजन. डूडलिंग हैज ट्रांसजेंडेड द मार्जिन ऑफ नोटबुक्स टू बिकम अ प्रोमिनेंट फीचर इन पॉप कल्चर रिफ्लेक्टिंग द प्लेफुल एंड इमेजिनेटिव स्पिरिट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी. कार्टून कैरेक्टर्स ऑफन एग्जिबिट डूडल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स विद क्विक स्केचेस एडॉर्निंग बैकग्राउंड एंड प्रॉप्स एडिंग लेयर्स ऑफ डेप्थ एंड विंसी टू विजुअल स्टोरी टेलिंग. मोर ओवर बी के बाद ए होना चाहिए. बी के बाद ए, बी के बाद ए, इसमें बी के बाद ए पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ. शोज टू फैशन डिजाइन एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन डूडलिंग परमिट्स वेरियस. हमको तो सी लग रहा है, सी अगर पकड़ूं. फ्रॉम एनिमेटेड फिल्म्स एंड टेलीविजन शोज टू फैशन डिजाइन. 35 तक का टाइम है मेरे पास. एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन डूडलिंग पॉपुलर मीडिया कार्टून कैरेक्टर्स ऑफ एन डूडलिंग अभी ये लगा रहा हूँ. मार्क फॉर रिव्यू. Since its innovation invention by AI Gore, the internet has increased the way we interact prevalent. In some ways, this has been a simple benefit to a society. Huge benefit to society. Skype and Zoom technologies allow us to communicate face to face with family, friends, colleagues on the other side of the world with convenience that past generation could not have conceived. Was possible, but as we all know, there have been serious attacks, drawbacks, serious drawbacks with the technology. As we all know, there have been serious drawbacks with this technology. Virtual communication has contributed to a drastic decline in civil dialogue. The storm had destroyed my garden.
हैड डिस्ट्रॉय हैड बीन हैड बीन शी रिमेन ऑन द फेंस वेट कर रही है कंफ्यूज है मतलब सर्टेन निश्चित प्रिपेयर कंफर्म अनडिसाइडेड डिसाइड नहीं कर पाती क्या करेंगे। ऑन हु वॉक्स ऑन रोप्स वन हु वॉक्स ऑन रोप्स कहाँ गया सोमनाम्बुलिस्ट ऑफ सोमनाम्बुलिस्ट एम्बुलफिट भाई ये मेरे लिए नया है एम्बुलेंस मतलब कहीं से एक तरह दूसरी तरफ जाना तो आंसर तो एम्बुल में से एक होएगा एम्बुलेंस तभी बना होता है एम्बुल का मतलब होता है एक तरह से दूसरी जगह मूव करना एम्बुलिफ्ट है कि एम्बुलेंट है टिक कर तो मैं देश पे से निराशा है निगेटिव वर्ड है ये तो होप आएगा ये सारे निगेटिव है पेन ग्लूम होमलेस होपलेस। देर इज अ लवली बीच दैट स्ट्रेचेज माइल्स द ब्लू अटलांटिक माइल्स अलोंग द ब्लू अटलांटिक बाई टू फ्रॉम ब्लैक अलोंग उसके अकॉर्डिंग फैला हुआ है द कॉटेज वॉज वैकेंट खाली है तो भर दो ऑक्यूपाइड 17 सेकेंड द कंट्री कंट्री हैज बीन इन स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट टू टू एनआरसी ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एनआरसी होता है एनआरसी अकेले तो रहने तो नहीं होता है प्लूटोक्रेसी नोबल होता है एरिस्टोक्रेसी पढ़े लिखे वाले होते हैं ऑटोनॉमी एनआरसी ये दोनों कन्फ्यूज कर देते हैं एनआरसी लग रहा है एनआरसी का सिंगल अलग ना हो यार। इफ यू हैव द गिफ्ट ऑफ बोलने की बहुत ज्यादा वो क्षमता भाई आर्ट ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली आई हैव नो स्पेलिंग एरर हाइपोक्राइट हाइपो 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 हाइपोक्रीट ये रहा द हॉथीनेस ऑफ न्यूयर वॉज ब्रोकन विद इन मेसी चिप द बॉल ओवर हिम इन टू द नेट हॉथीनेस ऑफ न्यूयर ईगरनेस ह्यूमिलिटी एडवर्सिटी एरोगेंस हॉटीनेस एरोगेंस बॉल ब्रोकन ठीक है इतने हो गए हैं एक दो तीन छोड़े हैं इंग्लिश में रीजनिंग में काफ़ी छोड़े थे अब चलते हैं मैथ के चलने पड़ेंगे पहले जीके में भी आज काफ़ी छोड़े हैं। एन इज डिविजिबल बाई टू बट नॉट डिविजिबल बाई फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट एन जो है दो से डिवाइड हो रहा है चार से डिवाइड नहीं हो रहा है यानी कि मैं छः ले लूँ दो से डिवाइड होता है चार से डिवाइड नहीं होता है तो छः का स्क्वायर इज पॉसिबल डिविजिबल बाई ऑड नंबर गलत बात है ये तो 6×36 नहीं होगा ऑलवेज डिविजिबल बाय ऑड नंबर नहीं क्योंकि दो का मल्टीपल तो आएगा इवन नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा नहीं बट इसमें ये कह रहा है ऑलवेज डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर 6×36 होता है तीन तो ऑड नंबर है 6×12 कटता है 8 कटता है 10 10 का स्क्वायर 5 से कट जाएगा यार ये एक ऑड नंबर की बात कर रहा है द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एन लेस देन 56 व्हेन 15 से 20 के बीच में है द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एन अच्छा जैसे कि मैं 15 से स्टार्ट हूँ 16 17 18 18 आएगा ठीक है 20 आ नहीं सकता तो 18 4 22 22 4 26 26 4 30 30 4 34 30 तक ही जाना है अच्छा 30 भी हटा दो इसका सम 56 है क्या 8 2 10 40 4 2 6 56 लेस देन 56 अरे यार कितना कन्फ्यूज करते हैं देख रहे हो मैंने इक्वल भी मान लिया तो भी दिक्कत है लेस देन माना तो भी दिक्कत है करेक्ट बताने हैं दोनों ही करेक्ट है आई थिंक तो कहने का स्क्वायर जैसे 36 आया था 3 से डिवाइड हो रहा है एक ऑड नंबर से डिवाइड हो रहा है। इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल दिस एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस द एरिया ऑफ ट्रायंगल आदमी याद नहीं आ रहा इस वजह से छोड़ा है द रेशियो नंबर ऑफ पार्सल्स डिलीवर्ड ऑफ वेट इन द क्लास ऑफ इंटरवल दिस 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 इन क्लास इंटरवल दिस रेशियो तो बताना 40 से 45 पहला वाला 28 है एंड 65 से 70 सबसे आखिरी वाला है 36 7×28 4×7 28 4×9 36 7:9 इफ एन मैन वर्किंग एन आवर्स पर डे फॉर एन डेज कैन कंप्लीट एन मैन है वर्किंग एन आवर्स है ठीक है एन डेज के लिए कंप्लीट एन यूनिट ऑफ वर्क देन एम मैन वर्किंग एम आवर्स एम डेज के लिए कितना यूनिट काम एक्स काम एन स्क्वायर एक्स बराबर एम क्यूब अपॉन एन स्क्वायर एम क्यूब अपॉन एन स्क्वायर एम क्यूब अपॉन एन स्क्वायर बाद में भैया एन इज डिवाइड कितने एन आएंगे भाई आज इफ अ नंबर एन इज डिवाइडेड बाई 85 लीव्स रिमाइंडर इतना देन वॉट विल द रिमाइंडर वेन द सेम नंबर एन विल बी डिवाइडेड बाई 17 17 को उसके डिवाइड कर दो 17×17=68 68×8=13 5 इफ द एरिया ऑफ अ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड दिस 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 देन द वॉल्यूम
इसका मतलब समझते हो, ए इंटू बी दिया है 64, बी इंटू सी दिया है 16, 96 दिया है, सॉरी सी इंटू डी सी इंटू ए 96, मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, इनको मल्टीप्लाई करूँ, ये सब डबल हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दूँ, 64 16 और 96 मल्टीप्लाई भी करना है, इसका अंडर रूट करना, तभी ये ए बी सी बनेगा, तो यानी कि ए बी सी हमारी वॉल्यूम होती है। तो ये मिल रहा है 8, ये मिल रहा है 4, इससे निकालो 16 छक्का 96, 16 आएगा 4 और 6 को अंडर रूट, सारे ऑप्शन में अंडर रूट 6 है, तो 4 चौके 16, 16 अट्ठे 128। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया अगला क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 42। इक्विलेटरल ट्रायंगल का है ना पेरीमीटर, यानी कि 14 3 42। मीडियन, मीडियन ही उसकी हाइट होती है, साइड आ चुकी है 14 और उसकी हाइट कितनी होती है 2/√3, साइड 28। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 3/√2 हो जाता है कभी कभी, 7/√3। इलेक्शन बाद में, पी है क्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू माइनस वन, मल्टीप्लाई कर दो, क्यों सोचना है इसमें, अब वही मैं कुछ भैया तुम लोग अलग तरीके से कर लोगे, अलग है भैया, तो को दिख गया मुझे इसमें कॉसेक है और इधर से ये कॉट है, ठीक है, ये प्लस का है, दूसरा वाला माइनस का है, कट कटा के आएगा 1 और 1 - 1 आएगा 0। अब किसी को जल्दी समझ में आएगा, किसी को जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसको डिवाइड कर दो बस, ये कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन रहा है। शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री, मुझे कठिन लगता है ये वाला, सिंप्लीफाइड, ओके 7 * 21 = 22/3, इसको सीधे सीधे ऐसे ही लिखना, डिवाइड का साइन मैं इसको इनटू मैं भी नहीं बना सकता हूँ क्योंकि आगे ऑफ लगा, इस वजह से छोड़ दिया, 2 * 3 = 4 = 5/2 तो होंगे, तो मैं बना देता ऑफ का इनटू 5 * 5 = 3 = 8, 8/5, इसको सॉल्व तुरंत कर दो क्योंकि ऑफ की वजह से इनटू आया है, 2 * 4 = 8 और ये 4/2 हो जाएगा, यानी कि 22/3 * 1/4 है पहला टर्म, माइनस अब ब्रैकेट वाला, ओके सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 * 3 = 7/4, 7 से 7 कट जाएगा यानी कि 1/4, 3/8 और 1/4 को जोड़ना है, तो इसको 2/8 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया 5/8। कैलकुलेशन ऐसे ही मैं करता हूँ, माइनस का 5/24, ये 2 से कट रहा है तो 11/6 माइनस का, अब इसको 24 बना दूंगा, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 15/24 माइनस का 5/24, तो ये क्या बना माइनस का 20/24, अब इसको 24 बना दो तो 44/24, ये क्या बना 24/24, एक आ गया आंसर। यार सबकी करने की ट्रिक अलग अलग होती हैं यार, तुम देख के मेरा सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर इसको अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, बस खाली कमेंट करके ऐसा बोल देना कि 11 का डिविजिबल रूल नहीं आता भैया। 3 pipes 21, 28, 42, 21, 28, 42, ऑल 3 pipes आर ओपन फॉर 8 hours एंड आफ्टर दैट पाइप ए एंड सी आर क्लोज, फाइंड द टोटल टाइम टेकन, तो ठीक है 42 * 84 = 28, ठीक है आ जाएगा 84 से हो जाएगा, 21 * 84 = 28, 23 * 84, 42 * 22 * 84, सारे एक साथ खोल दिए गए, 4 * 3 = 7 = 9, 8 घंटे के लिए, 9 * 8 = 72 काम हो चुका है, कितना बचा है 12 काम, कौन करेगा सिर्फ बी वाला क्योंकि ए और सी बंद कर दिए गए हैं, तो 4 घंटे और लगेंगे भरने में, ठीक है टोटल टाइम बताना है 8 * 4 = 12 घंटे, ठीक है कैमरे तक देखें इतना, इन सॉलिड कोन ऑफ वॉल्यूम इतना है, इज केप्ट इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर, कोन है सिलेंडर के अंदर, हुज रेडियस एंड हाइट आर ऑफ दैट कोन, देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द एम्प्टी स्पेस, बाद में देखेंगे इसको, अ कार स्टार्ट इतना एंड इंक्रीज इट्स स्पीड 10 किलोमीटर आफ्टर एवरी 2 घंटे, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द 500 किलोमीटर, अब मैं इसको अगर वैसे कर दूंगा तो भैया नहीं आता मुझे भैया इसको वैसे कोई शॉर्टकट तरीका, 75% आंसर मतलब मेन होता है कि आपको एग्जाम हॉल में आंसर टिक करना सही, 75% मोर, 75 बोले तो 3/4, 4 से 7, पी क्यू एफिशिएंसी, हु कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 14, 1/5 करता है 14 दिन में, पूरा करेगा 14 * 70 दिनों में, ये क्यू, पी एंड क्यू टुगेदर वर्क फॉर 20 डेज, देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन, टोटल काम कितना हुआ 70, मतलब जितने दिन में करता है और इसकी एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल काम, अब दोनों लोगों को कराना है, 4 * 7 = 28, 280 हमारे पास टोटल काम है, ठीक 7 * 4 = 11, 20 दिन तक काम किया, 20 * 11 दोनों ने मिलकर किया,
220 काम, कितना काम बचा है? 60 काम। कितने में से? 280 में से कितना आएगा? 2 3 6 14। हाँ सही है कि नहीं? क्या 22 7 4 28 70 डेज ही तो होता है। 1/5 पार्ट ऑफ आ वर्क इन 40 डेज। 14 5 70 ठीक है, 7 6 28 280 ठीक है, 7 4 11 75% मोर एफिशिएंट देन क्यू। 4 3 7 ये भी सही है। पार्ट ऑफ वर्क, अच्छा कितना हो गया ये बताना हो। 220 11/14 पूछ क्या रहा, निकाल क्या रहा। साइन एक्स दिया है, कॉस्ट 2x बताना है। कॉस्ट 2x का फॉर्मूला 1 - 2 sin² x ए -2/1/4 16 कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रियल कंपटीशन आपका सच में किससे हो रहा है, डराने के लिए नहीं, रियल फैक्ट बताने के लिए। आखिरी बताएंगे इस मौके कंप्लीट जब हो जाएगा तब, याद रहेगा। तो a³ + b³ दिया है, a+b दिया है, ए भी बताना है ठीक है। 168√3 = a+b भी पता है, 4/√3। a³ + b³ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर। तो 4 4 को 16 थी 48, प्लस वाला तो माइनस का 3ab होता है, बस यहीं से आएगा। √3 से √3 के 4 4 को 16, 4 2 8 और 48, ये इधर आएगा वो उधर, यानी कि 3ab = 6। ए भी दिख गया, तो 24 मिनट बचे हैं काम रहने का। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, a² + b² + c² 0 है, यानी कि ये सब आपस में 0 होंगे अपना। एक्स की वैल्यू 6/5, वाई की वैल्यू स्क्वायर तभी 0 हो सकते हैं ना जब 0 सम निकल आना, ये अंदर वाली चीज 0 ही हो जाए। वाई की वैल्यू 9/2, जेड की वैल्यू 10/3, सबको जोड़ देने का। 15 बना है, 5 10 30, 5 6 30, 6 5 36 प्लस का 2 15 दिया, 15 9 105, 15 9 135, 10 100, 235, 36, 35 2 70 होता है तो 271 हो गया ये, ऐसे जोड़ दिया मैंने। 271 30 डिवाइड बाय 3 भी है, लेकिन 9 9 3 27 ठीक है, 0 लगाया, 0.10, 9 9 30 पॉइंट, 3.1 10 0 भी था ना, तो 3.0 बनाएगा। अच्छा था ये, मतलब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। a+3 दिस थिंग, ये तो ना तो खत्म होगा, sec 45 cos 45 बराबर होता है। तो a+3 = b+4, क्या पूछा है? डिफरेंस, डिफरेंस ही तो है गए एक का। देन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अगर बी माइनस ए पूछ लेता ना, माइनस वन हो जाता। बाद में देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये बना दो। 60 है, अवे है 10। फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर, कैसा 60 डिग्री होता है, √3 1 2। एक की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू, फिर से गड़बड़ कुछ हुआ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट द लैडर 60। ये उल्टा दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द, ना 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 तिरछी खड़ी ही नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर, लैडर ये है भाई, ये है लैडर 60 डिग्री, √3 1 10√3। नॉर्मली लैडर तिरछी खड़ी करते हैं ना। ओके क्या कॉमन दिख रहा है? 9 9 6 36 -12 9 108 +9 9 81, 9 9 बाहर आके 3 हो चुका है ठीक है, 4 9 36 36, 36। सिंप्लीफाई करना है, एक्स जगह मैं कुछ रख के देख लूँ, 9/6 रखूँ तो ये कट जाएगा, 9 9 81 81 माइनस का 9/6, 6 से काटेंगे तो 18 6 108, 18 9 162 कट गया, यही ऑप्शन हो गया। अब कहोगे मैंने ऑप्शन चेक कर दिया, ऑप्शन जिससे जल्दी कर सको बस उससे आंसर मतलब है।
9/6 यहाँ रखेंगे, 9×9=81/36, 36 से 36 खत्म 81, और 81 ये है तो 162 तो सीधे दिखती है, और 108×9/6 इससे काटोगे तो 18 आएगा, 18×9=162। मेन मतलब आंसर से होता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर हुज एरिया इज मेकिंग एन एंगल 64 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है, एंगल दिया है, एरिया बताना है। 22/7 आर स्क्वायर 64/360। कैसे काटूं, 8 8 64, 8 4 32, 8 5 40। बड़ा गंदा नंबर आ रहा है, 7 14 7 14 15, 8 से करो मल्टीप्लाई, तो 8 6 32, 15 8 120 और 3 1 2 3 बटे 45, 45 3 135, यानी कि 45 2 भर जाएगा, तो दो ऑप्शन देखो कितने क्लोज दिए, 28 और 27, 45 2 90, यानी कि 2 3 3, 332, 45 चौक 180 होता है, उसके दुगना करेंगे यानी कि 360 जाएगा, यानी कि 8 टाइम से कम बार, यानी कि 7 टाइम से ही जा रहा होगा, 7×5=35, 7 6 28 3 है का। अ रिटेलर अचीव्स टू सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ 6% 4% व्हाइल सेलिंग द वॉशिंग मशीन, व्हाट मस्ट हैव बीन द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस दिस। 6.4, अच्छा इस पे उल्टा कर देना है मेरे को, किसी अमाउंट पे 6% लगाओ देन 4% लगाओ, ऑप्शन लेके करेंगे तो फिर तो तुम लोग कहीं लगोगे भैया। सक्सेसिव प्रॉफिट है, छः चार दस 6 6 24, तो 10.24 का मल्टीपल 33072/10.24, कटकुटा के जो आएगा नंबर दिखने लगे, कोई ना कोई एग्जैक्ट नंबर काट रहा होगा, 3 24 3 72 0 3 9 3। अच्छा देखो दिख तो गया, 30072 ये आएगा, 30,000 में लगाएंगे जुड़ेगा यही बन जाएगा। अब यहाँ देख लें, द डाइनिंग रूम इज लोकेटेड इंटीरियर विद द लिविंग रूम, भाई मेरे को यही गड़बड़ लग रहा है, इनसाइड विद द लिविंग क्रिएटिंग अ कोजी एंड इंटीग्रेटेड स्पेस फॉर फैमिली गैदरिंग्स, पता नहीं मुझको यही गड़बड़ लग रहा है, मैं यही लगा रहा हूँ। कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी बचे हैं, जल्दी करते हैं। इफ इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल 3.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज दिस एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन रेडियस की चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, इन रेडियस ये आ जाएगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 different sections सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट गो टू सेक्शन ए व्हाइल द मिनिमम गोस टू सेक्शन सी, इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए बी सी दिस, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 35, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स इन द बी एंड। अच्छा 5 7 35, 7 आया 1 की वैल्यू, तो 35 7 6 28, 7 1 9 7, क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट सेक्शन बी एंड सी, 3 7 21, बस यही क्वेश्चन था। इलेक्शन देयर आर टू डिफरेंट कैंडिडेट्स पी एंड क्यू, पी गेट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इतना, 15% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 128 100, 15% इनवैलिड होगा यानी कि 85 बचे होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स क्यू, क्यू के बताने 75, ये वैलिड वोट होगा, अब इसके 75% तो ले गया है पी, हमें बताने कि क्यू के, यानी कि 25% गए होंगे, 25% तो 1/4 ये क्यू के वोट्स होंगे पूरे पूरे, ये खत्म ये खत्म, 4 3 12 4 2 8, 32×85 करना है। ओके 5 5 5 35 5 160, 0 8 लगा 16, 32 8 8 16 8 6 24 25, और 16 जुड़ जाएगा 6 6 12 272, 61। शॉपकीपर गिव्स 3 articles फ्री ऑन परचेज ऑफ 6 articles एंड ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बट ही स्टिल मैनेज टू अर्न 20% प्रॉफिट।
एंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट पैड एंड मार्केट प्राइस, ये एक डिस्काउंट अगर पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। टोटल 3 फ्री दे रहा है 9 में से, क्यों ना, ठीक है। और एक डिस्काउंट है 10% का, 1/3, 1/3 बोले तो 1/3 में 10% का डिस्काउंट और दे रहा है। दस परसेंट का डिस्काउंट बोले तो कितना, 1/10, 9/10, 1/3, 33 वैसे भी करेंगे तो भी तो दिक्कत दे देगा। कंफ्यूज हो रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, पहला बाद में देखेंगे। 64 सॉलिड कोन ऑफ वॉल्यूम इतना इज केप्ट इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर हूज रेडियस एंड हाइट आर, इससे निकालें पहले हम हाइट और रेडियस का, वो देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द एम्प्टी स्पेस। बनाता नहीं आज, पहली बार बना रहा हूँ। ये कोन का वॉल्यूम है 27π³, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया, 27π, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर एच आ गया कितना, 27 81, पाई का मल्टीप्लाई करा तो 81π, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, ठीक, पूरे सिलेंडर का। और इसमें से 27π मैं हटा दूं ये कोन वाला, तभी तो एम्प्टी स्पेस बचेगा, तो 27 54, 54π बच रहा होगा, ये यही एम्प्टी स्पेस है। 65 अकार स्टार्ट विद 60 km/h एंड इंक्रीज इट स्पीड, 2 घंटे में 10 km की स्पीड बढ़ा रहा है, 500 km कवर करना है भाई मेरे को इसको, मैं रीजनिंग से करूँ, आपको जो कमेंट करना है कर सकते हो। 2 घंटे में 120 km तय कर लेगा, स्पीड हो गई 70, 2 घंटे हो चुके हैं भाई, ठीक। अगले 2 घंटे में 140 कवर कर लेगा, 2 घंटे हो गए, अब स्पीड हो गई 80, फिर 160 कवर कर लेगा, 2 घंटे हो चुके हैं, यहाँ तक 6 घंटे तो दिख ही रहे हैं सारे ऑप्शन में। कितना हो गया ये, 420 किलोमीटर 6 घंटे हो चुके हैं, 80 की स्पीड है, अब 90 की स्पीड होने वाली है, और 80 किलोमीटर तय करना है, 80/90, 6 से 8/9, क्यों मैं कोई और लॉजिक लगाऊं। ए इन्वेस्टेड इतना मनी इन स्कीम ऑफरिंग 5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ही अगेन द इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स इन अदर स्कीम फॉर 15% रेट ऑफ 2 साल, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 4 ईयर, ओके। 5% 2% 2 साल के लिए 10%, 10% इसमें बढ़ा देंगे, यानी कि 2000 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे, यानी कि 22000 तो सीधे सीधे हो गया। अब फिर से 2 साल के लिए 15% का रेट है सिंपल इंटरेस्ट, 15 × 30% बढ़ेगा, इसका 30%, इसका 30% कितना होगा, 3 × 6 3 × 6 ये 28600, स्टार्टिंग से बताना है तो 8600 रुपये हो गया, बस एक बच रहा 61, और रीजनिंग में काफ़ी छोड़ देते हैं, 12 मिनट हैं, ओके इसमें लगा देते हैं। सम टेबल आर चेयर, नो चेयर इज सोफा, ऑल सोफा इज रेड, सम टेबल आर नॉट सोफा, ये 100% ट्रू है, सम टेबल आर नॉट सोफा, वैसे तो पूरी टेबल भी सोफा नहीं हो सकती, तो इसलिए गलत भी जा सकता है। सम चेयर आर नॉट सोफा, सम चेयर क्या, पूरी की पूरी चेयर सम में, लेकिन पूरा भी आ जाता है। सम रेड इज नॉट टेबल, सम रेड इज नॉट टेबल, ये वाला रेड टेबल नहीं है, पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ यार इसमें, बट मेरे को यही वाला क्यों लग रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए, आई थिंक ओनली फर्स्ट ही लगाऊंगा फिर। सम रेड यानी कि ये वाला रेड टेबल नहीं है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है भैया, हाँ थर्ड 100% गलत है, यह थर्ड 100% गलत हो गया, एस सोफा चेयर नहीं हो सकता था, सम चेयर्स आर नॉट सोफा, यही लगा रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी करें भाई, डब्लू का वाई, डब्लू का वाई दो जोड़ा गया है, ए का बी 19 2 21, ठीक है दो जोड़ा है, टी यू वी दो जोड़ा गया है, ई के बाद एफ समझ गया, वोवल में एक जोड़ रहा है, अरे यार डी के बाद ई आ गया, ई क्या बात थी, यू वी डब्ल्यू दो जोड़ा है, पी के पी क्यू आर दो जोड़ा है, एल दो जोड़ा है, ओ पी क्यू दो जोड़ा है, ए के बाद एक,
वैसा कुछ समझ में आया कि सिंगल डिजिट का अगर नंबर है तो एक जोड़ रहे हैं, डबल डिजिट का नंबर है तो दो जोड़ रहे हैं, तो एस पी क्यू नहीं एस टी यू, सी के बाद डी आएगा, ए के बाद बी आएगा, एल के बाद एम एन, ई के बाद एस आएगा, एस के बाद यू आएगा, है कुछ एन एफ यू, एन एफ यू दो ऑप्शन में है, यू डी बी, यू डी बी एन एफ यू। सटिंग लैंग्वेज में ये लिखा है मोजाम्बिक, लग्जमबर्ग, उज्बेकिस्तान। ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, यू का 21, ई का 5, खाली वॉवल देख रहा है, यू का 21, ई का 5, ठीक है, 21 5 9, 21 5 9 1, 21 5 9 1, 21 5 9 1, पहला पकड़ा था 160 में एक घटा रहा है, 175 में एक जोड़ रहा, दोनों तरफ से फंस गया हूँ। 17 119 में एक जोड़ दिया, यही एक सबसे करीब लग रहा है, और कोई करीब भी तो नहीं है उसके। 220 182 144 का आधा 18 और 20 32, 32 के पहाड़े में 144 तो आता है ना, चाहते हैं 4 4 8 नहीं आता। एक सौ बयासी का आधा कितना होता है 91, इससे भी नहीं आएगा, 4, 22 और 14 कितना होता है 4 2 6 6 4, इसका आधा है, ठीक है, साइड वालों का सम करके आधा हो रहा है क्या, 8 6 14 9 1 10 3 1 4 1 5, 504 का आधा 2502 होता है, ठीक है, बच गए। इन दोनों को जोड़ना है 4 3 7, 700 का आधा 266 के करीब आ भी सकता है। अरे यार क्या सेट मैच करना चाहिए ना, तो 2 2 और 1 3 4 3 7, इसका आधा करेंगे तो 2 3 6 गलत क्या रहता, 502 6 2 8 3 6 2 3 6, ये भी नहीं, 4 2 6 ये आ सकता है, 9 7 16 3 1 4 5, 2 2 4 2 8 16, 2 3 6 पक्का, हाँ यही है यार आखिरी बच रहा, तो 8 2 10 2 1 3 1 4 4 2 6, हाँ यही है, 8 मिनट बचे हैं। 6% दिस विजिटेड द जू ऑन डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बट नॉट इन द सेम ऑर्डर सच दैट नो 2% विजिटेड ऑन द सेम डे, ठीक है, ओनली 2% विजिटेड जू आफ्टर आर, आर के बाद केवल दो लोगों ने देखा, मंडे से सैटरडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आर के बाद दो लोगों ने देखा, आर को यहाँ आना पड़ेगा। पी विजिटेड नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन फ्राइडे, ठीक है, क्यू विजिटेड आफ्टर यू, यू के बाद क्यू है, पी विजिटेड जू इमीडिएटली बिफोर एस, एस के पहले पी है, 2% विजिटेड बिटवीन पी एंड टी ऑन विच डे, पी और टी के बीच में 2% है, अच्छा एस के इमीडिएटली, यानी कि एस अगर पी यहाँ कर दिया तो गलती हो जाएगा, यानी कि एस और पी को इधर ही आना पड़ेगा, एस पी ये भी हो सकता है, अगर एस पी मैंने यहाँ रखा तो टी को यहाँ आना पड़ेगा जो कि गलत हो जाएगा, तो एस और पी यहीं पे आएंगे, टी यहाँ पे चला गया, और इसने ये बोला था कि क्यू विजिटेड आफ्टर यू, यू के बाद क्यू आया, ये नहीं बोला कि इमीडिएट, तो क्यू आया सैटरडे को, इसको फिल कर देते हैं जल्दी से, ए बी एक्स वाई, पहला वाला पकड़ रहा हूँ, टी टी ए ए एक्स वाई बी टी ए बी एक्स ए बी एक्स वाई टी, ये नहीं है यार, ए बी एक्स वाई बी टी, हमको ये गलत क्यों लग रहा, सेकंड ऑप्शन मेरे को उससे में अप्रोप्रिएट लगा था सबसे ज़्यादा, ए बी एक्स वाई टी टी ए बी एक्स वाई वाई टी ए बी एक्स, बस एक टी का ही दिक्कत है, सही बता, ए बी एक्स वाई ए बी एक्स वाई ए बी एक्स, हाँ हाँ ट्रिपल टी और ट्रिपल वाई भी हो सकता है, ए बी एक्स टी 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 ए ए एक्स वाई बी, बहुत गंदा हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बचा है बस, ए बी एक्स वाई टी टी
ए टी एक्स वाई ए बी ए, मैं सबसे अप्रोप्रिएट वही लग रहा है सेकंड वाला। अगर ये वाई की जगह टी होता 100%, ये वाई अगर टी बन जाता, यहाँ अगर टी रखें तो देखो दिख जाएगा टी टी ए बी एक्स वाई, टी टी ए बी एक्स, मुझे सबसे अप्रोप्रिएट यही लग रहा है। 6 मिनट बचे हैं, एक बचा अभी। हर सर सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन दिस तारीख लीप ईयर है, ठीक है। ऑन व्हाट डे हैव वी कीरा विल सेलिब्रेट हर बर्थडे इन द सेम ईयर इफ कीरा वाज बॉर्न। मैं भैया फॉर्मूला में चेक कर उससे नहीं, मतलब मैं सिर्फ जोड़ के लगाऊंगा, 7 जोड़ूंगा आप लोगों के सामने। 21, 7, 28, 8, 7, 15, 5, 4 फरवरी, 7, 4, 11, 7, 1, 8, 7, 15, 25 फरवरी। अब 25 फरवरी को उस पार कराने में टाइम लगेगा। 26, 27, 28, 29, 1, 2, तो कब आएगा, 3, 4, 5, 6, 3 मार्च यही आएगा ना दिन, 3, 4, 5, हाँ ठीक है, 3 मार्च के बाद 7, 3, 10, 17, 7, 14, 7, 4, 11, 31 मार्च, ठीक है। 7, 7, 4, 28, 28 अप्रैल तक पहुंच चुके हैं। 7, 7, 15, 5 मई, 7, 15, 7, 2, 9, 7, 16, 16, 26, 7, 6, 13, 2 जून, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 7, 6, 13, 7, 3, 10, 30 जून, फिर जुलाई, 7, 7, 4, 28 जुलाई, 7, 7, 15, 4 अगस्त, 7, 4, 11, 7, 1, 8, 7, 15, 7, 5, 12, 2, 1 सितंबर, 7, 1, 8, 8 सितंबर, सेम डे संडे का दिन। आपको जैसे करना आप वैसे कर सकते हैं। कितना टाइम लगाओगे मुझे नहीं पता इस वाले क्वेश्चन में, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी। 4 मिनट बचे हैं, कौन सा क्वेश्चन बचा है, 52 बचा है, 2 बच गए यार। इसमें मेरे को दिमाग नहीं लग रहा है इस वाले में यार, इंग्लिश में बचा था यार। 82, इफ द एलीड फोर्सेज ऑफ द राइवल कंट्रीज वॉन्ट टू वैंक्विश द कॉमन एनिमी दे नीड टू स्टिर द हॉर्नेट्स नेस्ट फर्स्ट, उसको उबालना यही है। एक और है, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, एम्बुलिफ्ट एम्बुलेंट, एम्बुलिफ्ट एम्बुलेंट, इन दोनों में से मैं एक लगाऊं, लिफ्ट लगाऊं, एम्बुलेंट, एम्बुलेंट लगा रहा हूँ, पक्का ही गलत हो सकता है। एम्बुल होगा ये तय है, क्योंकि वो मूव करता है ना रोप के ऊपर। जी के छोड़े थे इसमें लेपर्ड लगाने को, चिंचन चुंगन और ग्रुप ऑफ एशियन गेम्स, लेपर्ड लगाऊंगा मैं इसमें, यानी कि लेपर्ड ही अच्छा लग रहा है मुझे। जी के में कम किए यार। विच द फॉलोइंग क्लासिकल डांस कालासम्स, नहीं पता। हेमचंद्र गोस्वामी रिसीव पद्मश्री, रिसीविंग आर्ट ऑफ ट्रेडिशनल मास्क मेकिंग ऑफ, नहीं पता। 3 मिनट बचे हैं भाई। हाँ, विच द फॉलोइंग रिवर्स पेनन फॉल्स, हिंदी में करूँ भाई, पेनन सुलर में चली गई यार। निम्न कौन सी नदी प्रायद्वीप ब्लॉक के द्रोणिका भ्रंश से होकर बहती है, उससे ये नदियाँ जलोढ़ और डेल्टाइन निक्षेप से रहित हैं, रहित हैं। ये भ्रंश घाटी में नर्मदा तापी बहती हैं, और इधर डेल्टा भी नहीं बनाते क्योंकि इधर जाती है ना। 31, 18, 57, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का प्रचलन, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच बढ़ावा देने वाली नीतियाँ, कानून और प्रशासन की नई प्रणाली, ब्रिटिश सरकार की भूमि और भू राजस्व नीतियाँ। नॉट अ कॉज प्रीवेलेंस ऑफ द करप्शन एट द लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज प्रमोटिंग इन टॉलरेंस अमंग वेरियस रिलीजियस ग्रुप, ये तो ठीक है। न्यू सिस्टम ऑफ अ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, करप्शन से मतलब नहीं था शायद। दस्तक, विलियम बेंटिक के टाइम में बहुत सारी बैन हुई हैं। अच्छा हाँ, यही था, खाली दस्तक विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, लॉजी से पहले 1832 के आसपास, कर इंटरनल ट्रेड बंद कर दिए गए थे। ये नहीं पता, रोड अच्छा यूपी लगा रहा हूँ। एम एस सुबुलक्ष्मी कार्नाटिक म्यूजिक या हिंदुस्तान क्लासिकल, कार्नाटिक लगाऊंगा। बहुत मैं अपने आज तो छोड़ रहा हूँ यार, ये यार हो जाना चाहिए था। ऑन परचेज ऑफ 6th आर्टिकल, 3/9 का डिस्काउंट हुआ, 1/3 का, 10% का डिस्काउंट, 1/10 का। तैतीस सही, 1/3%, गंदा नंबर है यार।
43 इसका। हाँ 100/3% ये है 10%, तो मैं जोड़ू 100/3 प्लस का 10 माइनस का 0.0/3 गुणा 100 तो 10/3 1000/3 माइनस का 10/3 कितना बचेगा 99.0/3। भैया गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, गलत है मैंने करा, छोड़ो दो भैया छोड़ रहा हूँ, ठीक है कितने भी आएंगे। ठीक अच्छा था पेपर वाला, इसमें इन रेडियस का कुछ भी याद नहीं आ रहा, इन रेडियस से रिलेटेड 3.5 है, सर्किल बन भी जाएगा तो मुझे 15 ये 3.5 है, पैरीमीटर 30 है, ये सबमिट हो रहा अपने आप। ओके क्या बात बताने को बोली थी, मैं भूल गया यार, के चक्कर में भूल जाता हूँ। पहले स्कोर देखते कितना आया, 152.5, काफी गलत हुए हैं मैथ में, चलो एक गलत हुआ, दो छोड़े थे, रीजनिंग में दो गलत हुए हैं, जीके सही चल रही है। जीके में मेरे नंबर स्टार्टिंग में जब मैं बिगिनर था 4-5 सच में ऐसे ही नंबर आते थे, ये एवरेज मेरा 20+ चल रहा है, वही अच्छा लग रहा है, उसके 25 के करीब चल रहा है। मैथ ठीक है, ठीक है जी, सबसे पेपर था इंग्लिश तो मेरी, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लिटरली, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा से बाकी आता हूँ मॉक देता हूँ, एनालिसिस भी सिर्फ जीएस के एनालिसिस कर पाता हूँ, प्रॉपर नहीं कर पाता हूँ पूरी, तब ये मेरा स्कोर ऐसा बन रहा है इतना, तो हमें सही चल रहा है, प्री के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। इंग्लिश में थोड़ा सा काम करूंगा अलग से, जीएस का तो चल ही रहा है, मैथ और रीजनिंग समय इतनी कोई दिक्कत नहीं, वो चलती रहती है, जब मौका मिलेगा तब कवर अप कर लूंगा। बात क्या बोली थी, मैं पॉज ले रहा हूँ सोच के फिर बता दूँगी क्या बोलने वाला था, याद तो नहीं आया, बस ये जस्ट फॉर मोटिवेशन कि जिस चीज़ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो आपको नौकरी पाने के बाद मिलता है। हाँ वो बता दिया था ना कि जो मेरी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड मेरा जो भवन है वो श्रम शक्ति भवन में मैं काम करता हूँ, और जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करनी होती है, एक जो कार्ड बनता है वो मेरा कार्ड बन चुका है, ये रहा मेरा कार्ड जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं लिखा जो मैं इसको हाइड करूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं, और जो बनता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही बनता है, तो ये चित्ते पट्टा, तो मैं जिसको बताता हूँ ये बताता हूँ मैं गृह मंत्रालय में काम कर रहा हूँ, तो सुनने में अच्छा लगता है। तो बाकी जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट करके बताइएगा, एंड जो मैंने क्वेश्चन किया था कि आप मॉक किस लिए देते हैं उसका जवाब जरूर दीजिएगा, और जो बाकी मैं जो क्वेश्चन कैसे अटेंड करता हूँ इससे आपको अगर सीखने को मिल रहा है तो आप जरूर सीखिएगा, आपको कमेंट करना है कि मैं इसमें ये कर सकता था वो कर सकता था बिल्कुल बताइएगा, मुझे सजेशन अच्छे लगते हैं अगर जो लाजमी होगा, ठीक है। तो आप भी जब कोई मॉक अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उस समय आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो वो सिर्फ आपको पता होता है, ये तो मैं लाइव दे रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो आप देते होंगे, आपको भी पता होगा कि किसी किसी क्वेश्चन में आप लंबा समय ले रहे हैं, किसी में छोटा समय ले रहे हो, आपको इन्हें पता होता होगा, वो तो समय समय बाद मेरा दिख रहा है तो आपने तुरंत तो पकड़ लिया कि हाँ ये दिक्कत है ये गलती है, बट जो कुछ मैंने छोड़े आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर मतलब अच्छा लगता है, जो पिछले में भी छोड़ा था रीजनिंग का क्वेश्चन था वो लोगों ने बताया था, सॉल्यूशन अच्छा लगा मेरे को, अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोगों के कमेंट से पता चल गया था। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, एंड जीएस की एनालिसिस पिछले मौके कल आ जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा चेकआउट करने, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।